आज का हमारा प्लान है बांगड़ीपुर से उड़ीसा जाने का। मैं बहुत दिनों से निकल नहीं पाया था क्योंकि तबीयत ख़राब था, फिर ऑफिस का भी थोड़ा प्रेशर था। तो आज बहुत दिनों बाद, फिर ऑलमोस्ट एक महीने बाद मैं फिर से आप लोगों के साथ आ गया हूँ एक बेहतरीन, एक मज़ेदार जगह का मुआयना करने के लिए। कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी हो जा रहा है। वेल, मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली बांगड़ीपोसी सिमलीपाल रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट, ये बोलना बेहतर रहेगा कि इसका डिस्टेंस है 239 किलोमीटर। अभी हम लोग जो है ये 4 पॉइंट क्रॉसिंग में आ गए हैं। ये बाएं तरफ चला जा रहा है खड़गपुर, और हमें जाना है टूवर्ड्स झारग्राम होकर के। अरे भाई, देख के चल, नहीं तो मर जाएगा। ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट का जगह, जॉय गुरु होटल बेलपहाड़ी का। अगर वीडियो अगर आप लोगों ने मेरा नहीं देखा तो आप लोग जाकर मुझे देख सकते हो, मैं आई बटन में ऐड कर दूंगा। वहाँ पे आते टाइम भी हम दो दोस्त ने यहीं पे अपना ब्रेकफास्ट किया था। सो भी ब्रेकफास्ट तो अपना मस्त कंप्लीट हो गया भाई। एज यूजुअल आलू पराठा फेवरेट ऑल टाइम, और साथ में बॉयल्ड एग लिया था हम लोग ने। आप लोगों ने तो मेरा पिछला वीडियो देखा ही होगा जिसमें मैंने ये हिमालयन के विंडशील्ड जो मैंने थंडरबर्ड पे लगाई है, और ये जो मोबाइल होल्डर कम चार्जर है इसको लगाया था, और उसको मैंने बोला था कि रिव्यू मैं अभी ऑन द वे राइड पे दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि ये जो हिमालयन की जो विंडशील्ड है ना, ये तो भाई बड़ा मज़ा आ रहा है। बट पहले जो क्या होता ना, विंड ब्लास्ट जो है मेरे सीने तक लगती थी, अभी जो है सर के यहाँ तक आ रही है, तो सर के टॉपेट तक आ रही है, फोरहेड के ऊपर से चली आ रही, तो उतना कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है हवा का, बस इट्स ओके। और ये मोबाइल होल्डर चार्जर तो भाई बड़ा ही काम का है मेरे लिए, क्योंकि अभी तो भाई चार्जिंग फेल होने का झंझट से एकदम मुक्ति। सो गाइस, वी हैव एंटर्ड ओडिशा। ये बीच में जो एक नदी का ऊपर से हम लोग ने क्रॉस किया, वो उस पार था झारखंड, इस पार आ गए हम लोग ओडिशा, और वो था बॉर्डर। उड़ीसा वालों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, एक लाइक तो बनता है। वेलकम टू झारपोखरा टोल प्लाजा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। झारपोखरा टोल प्लाजा में आपका स्वागत है। माउंटेन रेंजेस आर हियर, आई होप कि आपको भी दिख रहा होगा। ये आ गया अपना रिसोर्ट होटल सिमलीपाल, और इसके सामने का व्यू देखो, ये रहा अपना होटल सिमलीपाल का रिसोर्ट। ये आ गया अपना अभी लंच, हम लोग ने ऑर्डर किया एक वेज थाली, एक चिकन कस्सा और एक प्लेन राइस, क्योंकि दो वेज थाली हर बार हम लोग ऑर्डर करते हैं और उसमें थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बिग साइज ऑफ पापड़। सो गाइस, आप लोगों ने देख ही लिया कि हम लोग ने लंच क्या किया, और सही मायने बोलूँ तो उड़ीसा के लोगों के हाथों का खाना, मतलब जो लोग खाना पकाते हैं ना, मतलब उनके हाथ में जादू होती है। बड़ा ही सही खाना बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त था, स्वादिष्ट था। बस हम लोग खाना जल्दी कंप्लीट कर लिए हैं, और आज हम लोग यहाँ से दो चीज़ कवर करेंगे, दो लोकेशन है यहाँ से नियरेस्ट। सो गाइस, हम लोग निकल पड़े हैं अभी दो लोकेशन कवर करने के लिए आज का। ओके, पहले एक चीज़ बता देता हूँ, हम लोग आए थे इस वाले रूट से, कलकत्ता इधर से आए थे हम लोग, और इधर ये है, और ये पीछे रहा अपना होटल सिमलीपाल। इसका ये जो सर्विस रोड है, यहाँ से जाना होगा, पहले जाना पड़ेगा बांगड़ीपोसी मार्केट। तो हम लोग ये सर्विस रोड से आए थे यहाँ से, तो यहाँ से फिर राइट ले लेंगे हम लोग। स्टेशन इधर है, स्टेशन स्टेशन। चलो इधर आ गए हम लोग, बांगड़ीपोसी स्टेशन जाएंगे, और दोनों का दोनों लोकेशन जो है इसी रूट पे पड़ता है। ये आ गया बांगड़ीपोसी स्टेशन, अभी इसी के आसपास ही होगा सब लोकेशन, तो मुझे थोड़ा पूछते पूछते जाना पड़ेगा क्योंकि मैप तो काम नहीं कर रहा है। पहले पड़ेगा बूढ़ी, नहीं नहीं सॉरी, बार बार मैं गलती करता हूँ, पहले पड़ेगा ब्राह्मण कुंड, अभी बूढ़ी बलम रिवर, ये लोग तो बोझ बता नहीं पा रहे हैं,
बट जाके वहाँ पे देखते हैं आसपास, कुछ पता चलेगा तो फिर आपको दिखाऊंगा, मैं भी देखूंगा। एक चीज़ है कि ये रोड के साइड साइड से जब भी आप राइट लोगे ना, वहाँ से जो स्कूल पड़ेगा वहाँ से साइड से जो आपको पहला नदी दिखेगा वही जो है राइट साइड से बहते हुए जा रही है, और वही जो है पूरा बूढ़ा बलम नदी है। ये जाके मिलता है डायरेक्टली ब्राह्मण कुंड। ये देखो साइड से जा रहा है बूढ़ा बलम रिवर, और इसी रोड से सीधा आते रहेंगे तो चला जाएंगे, पहुँच जाएंगे हम लोग ब्राह्मण कुंड। हम लोग अभी फाइनली ब्राह्मण कुंड पहुंच गए हैं। यहाँ पे सब चप्पल खोल के रखे हैं, वो उसके आगे चप्पल ले जाना मना है, शायद यहाँ पे उड़िया में कुछ लिखा हुआ है इसलिए सब चप्पल यहाँ पे खोल के रखे हैं। ए बाबा, पाँव में थोड़ा थोड़ा चुभ रहा है ईटा। इसीलिए यहाँ पे ये लोग बहुत मानते हैं, शायद यहाँ पे पूजा वगैरह भी होता है, इसीलिए चप्पल उसके वहीं तक आपको खोल के रहना है। ये देखो नजारा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आई थिंक दिस वे इन इंग्लिश टर्म्स, उड़िया तो मुझे आता नहीं है पढ़ने। ओ गाइस, क्या मछली है बॉस। वेल गाइज, ये है ब्राह्मण कुंड, और इसकी खूबसूरती आपको कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना कमेंट करके, और अच्छा लगे तो बस एक लाइक तो बनता है। और यहाँ पे आने के लिए मुझे कुछ मैप तो मिला नहीं, और एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट किलोमीटर टू ब्राह्मण कुंड कितना है फ्रॉम बांगरीपोसी स्टेशन, ये मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँगा अपने रिसोर्ट तक पहुँचने के बाद। बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे, देखो सबने मूड़ी वगैरह दिया हुआ है, वही सब खा रहे हैं, और गहरा भी है बहुत ज़्यादा, ये पानी का लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई है। प्लान करो जल्दी घूम के जाओ, बहुत ही मस्त जगह है, पानी तो भाई ज़बरदस्त ठंडी है, मछलियों को खाना भी आप खिला सकते हो। मैं बोलूँगा थोड़ा, हम लोग जैसे आज का दिन का दोपहर का लंच करने के बाद इसको यहाँ पे आए थे, आप अगर प्लान करते हो तो मैं बोलूँगा अगर अर्ली आ जाते हो सवेरे नेक्स्ट दिन अर्ली मॉर्निंग तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओगे। अभी बहुत ज़्यादा धूप है इसलिए यार बैठा नहीं गया, बट पानी के अंदर पैर रख के फिर अच्छा लग रहा था कि चलो थोड़ा ठंडा है। पिछले दिन तो आपको पूरा का पूरा जो बांगड़ीपोसी का मैंने कुछ पार्ट दिखाया, बहुत ही अच्छा लगा होगा आई होप, और कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लास्ट दिन तो हम लोग आकर जस्ट इवनिंग स्नैक्स में नूडल्स और ड्राई चिली चिकन खाए, उसके बाद सो गए, अभी सवेरे उठ रहे हैं, फिर आज का यहाँ पे जर्नी कंप्लीट करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद।
तो कल तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही स्पॉट कवर किया था और इतना दूर था, मैं आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि टोटल एग्जैक्ट किलोमीटर फ्रॉम बांगड़ीपोसी स्टेशन कितना पड़ता है। तो फ्रॉम बांगड़ीपोसी स्टेशन से अगर आप जाते हो तो एग्जैक्ट आपको 33 किलोमीटर पड़ेगा टू ब्रह्मन कुंड। और अगर सिमलीपाल रिसोर्ट और रेस्टोरेंट से मैं बताता हूं तो आप 1 और 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो अराउंड टोटल 35 किलोमीटर आपको पड़ेगा। रूट दो है क्योंकि मैप वहां पे नेटवर्क काम नहीं करेगा, तो आपको पूछ के थोड़ा जाना पड़ेगा। दोनों में से एक रूट जो है थोड़ा शॉर्टकट है, तो उसको आपको थोड़ा पूछ के जाना पड़ेगा, बट इजी है, सब वहां पे बहुत कॉपरेटिव है, सबको आपको बता देंगे। हार नहीं मानना है क्योंकि रूट सभी बोलेंगे सीधा है चलते रहो, तो चलते जाना है, नजारा का मजा लेना है बस। तो आजकल का हम लोग को वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, अभी डे 2 का वीडियो आज के जर्नी से स्टार्ट होगा।